आंदोलन 2.0 का आज यानी 14 फरवरी को दूसरा दिन है। किसान आंदोलन में मंगलवार को जमकर बवाल हुआ। पंजाब और हरियाणा के अबाला में शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी और पुलिस में टकराव हुआ। किसानों पर पुलिस ने जहां आंसू गैस के गोले दागे, वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के ड्रोन पर भी पथराव किया। फिलहाल शंभू बॉर्डर खरौनी के अलावा जिंद में भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर टीयर गैस के गोले दागे। खनौरी बॉर्डर पर एक किसान घायल हुआ है। किसान के घुटने पर टीयर गैस का गोला लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हुए किसान आंदोलन के मामले को लेकर सुनवाई के दौरान किसानों को हरियाणा की तरफ से रोके गए रास्ते पर भी कोर्ट में चर्चा हुई। पंजाब हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि किसानों को धरना प्रदर्शन करने के लिए एक जगह सुनिश्चित करके देनी होगी। वहीं दूसरी तरफ अब 15 तारीख को इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी, जिसमें चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार की तरफ से स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी पार्टी बनाने के लिए कहा है। नमस्कार, आप देखें द न्यूज 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। चलिए जानते हैं पहले कि किसान आंदोलन 2.0 में किसानों की मांगे क्या है, पिछली मांगों से कितनी अलग है, आखिर क्या है एमएसपी का मतलब, और स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों में क्या था जो किसान उसे हर आंदोलन में उठाते हैं, और कितने लंबे समय तक चल सकता है ये आंदोलन, क्यों दिल्ली की सड़कों पर फिर से उतर रहे हैं ये किसान, आखिर क्या है एक पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर किसानों की अब क्या मांगे हैं। सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सभी फसलों के लिए एमएसपी के लिए कानून बनाए। ये मांग किसानों ने तब भी की थी जब उन्होंने अपना पिछला आंदोलन खत्म किया था। किसानों मजदूरों के लिए पूर्ण कर्ज माफी समेत एक व्यापक ऋण राहत कार्यक्रम लागू किया जाए। राष्ट्र स्तर पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को बहाल किया जाए, जिसमें किसानों से लिखित सहमति की जरूरत होती है और कलेक्ट्रेट रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाए। किसानों और 58 साल से अधिक आयु के खेतीहर मजदूरों के लिए हर महीने पेंशन देने की आयोजना लागू किया जाए। दिल्ली आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार भी। लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले। अक्टूबर 2021 में घटी इस घटना में 8 लोगों की जान चली गई थी। सोमवार 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को दी गई अंतरिम जमानत को और बढ़ा दी है। कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फल सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा को बढ़ाया जाए। दिहाड़ी 700 रुपए की जाए और सालाना 200 रुपए दिन का रोजगार मिले, इसे कृषि गतिविधियों के साथ एकत्र किया जाए। सीड क्वालिटी स्टैंडर्ड में सुधार के लिए नकली बीज, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर बनाने बेचने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई किया जाए। बिजली की बराबर पहुंच सुनिश्चित हो, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 को रद्द किया जाए। केंद्र सरकार ये बिल लाई थी कि बिजली क्षेत्र की कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को बेहतर कर सके, मगर इस विधेयक के कई मोर्चों पर आलोचना हुई। एक बड़ी आलोचना ये है कि केंद्र इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करती है। वहीं फिर क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मुद्दा भी है कि किसान और गाँव वाले बिजली के लिए सबसे पैसे भरते हैं। हालांकि ये बिल 7वीं लोकसभा के साथ ही रद्द हो जाएगा। मिर्च, हल्दी और बाकी सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए। चलिए अब जानते हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट आखिर क्या है। 18 नवंबर 2004 को कृषि विज्ञानी और प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसे देश में किसानों की हालत सुधारने के रास्ते खोजने थे। करीब 2 साल बाद अक्टूबर 2006 में कमेटी ने अपनी सिफारिश दी थी, साथ ही जिसे अभी तक किसान प्रदर्शनों में लागू करने की बात की जाती है। स्वामीनाथन कमेटी की सबसे बड़ी सिफारिश ये थी कि सरकार किसानों की फसलों को लागत मूल्य से सीधे सीधे 1.5 गुना कीमतों पर खरीदे और आगे अपने हिसाब से बेचे। इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी की इनपुट लागत और भूमि पर किराया, जिसे C2 कहा जाता है, शामिल है। इसके अलावा कमेटी ने मुख्यतः किसानों के लिए लैंड रिफॉर्म, सिंचाई, प्रोडक्शन क्रेडिट और बीमा फूड सिक्योरिटी से संबंधित सिफारिशें की थी। चलिए अब जानते हैं कि MSP
क्या है। देश के किसान साल भर मौसम के हिसाब से फसल उगाते हैं। खरीफ सीजन में धान यानी कि चावल और रबी में गेहूं, इस उपज को किसान बाजार में बेचते हैं। लेकिन अगर किसी मौसम में बंपर पैदावार हो जाए या जब किसी खास प्रोडक्ट की अंतर्राष्ट्रीय कीमत ही काफी कम हो तो बाजार कीमतें किसानों को पर्याप्त मजदूरी देने के लिए कम पड़ जाती है। मुनाफा छोड़िए, भारत के किसानों के लिए गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता है और व्यक्तिगत परेशानियों की वजह से किसान खेती छोड़ दे तो ये देश का नुकसान है, व्यापक तौर पर देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। ऐसी स्थिति से बचने का एक तरीका है यानी कि MSP। जी हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP या फिर कह लीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर बाजार में दाम गिर भी जाए तो सरकार किसानों से एक न्यूनतम दाम पर फसल की खरीद ले, यही उस फसल के लिए MSP है। हर सीजन के दौरान सरकार 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का ऐलान करती है। तो हमारी आज की जानकारी बस इतना ही, साथ ही जुड़े रहे द न्यूज 15 के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।